नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करें। झारखंड मजदूर यूनियन द्वारा विगत 5 वर्षों से टाटा स्टील और उसके अंगीकृत इकाइयों में दलित मजदूर के साथ हो रहे शोषण और सीधे बहाली की मांग को लेकर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, बावजूद अभी तक इसमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई। इसी मामले को लेकर पिछले वर्ष 3 मार्च को झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन और सभा की गई थी। एक बार फिर टाटा स्टील दलित निबंधित कर्मचारी पुत्र संघ और झारखंड मजदूर यूनियन आंदोलन की रणनीति तैयार की है। प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड मजदूर यूनियन केंद्रीय अध्यक्ष दुलाल भुइया ने कहा कि कंपनी 1 सप्ताह से इसकी मांग पर वार्ता नहीं करती है, तो सबसे पहले रांची में राज्यपाल भवन में राज्यपाल के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे, इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति और फिर मुंबई टाटा स्टील कंपनी कार्यालय पहुंचकर रतन टाटा को अपनी बातें से अवगत करवाएंगे। इसके बावजूद भी किसी प्रकार की पहल नहीं होती है तो 30 मार्च को जमशेदपुर में भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए सभी आदिवासी संगठन और विभिन्न राजनीतिक दलों से भी समर्थन करने का अनुरोध किया है। किस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने? देखिए, टाटा स्टील दलित निबंधित कर्मचारी पुत्र के द्वारा जो पीड़ा है, 1907 से टाटा कंपनी का जन्म हुआ। ये बहुत ब्रिटिश काल का समय काल से यहाँ के गरीब मजदूरों का जो है साफ सफाई कर्मचारी लोगों का, पुराने बाप दादा लोग टाटा घराना से, टाटा साहब से, दौरजा टाटा साहब से बात हुआ था कि स्टैंडिंग ऑर्डर में साफ लिखा हुआ कि इसका कोई भी पढ़ाई लिखाई का योग्यता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, योग्यता पढ़ाई लिखाई का जहां तक है, बेचारे लोग काम किए, अपना बाल बच्चा को पढ़ाया लिखा तो उससे सीधी बहाली हो, और सीधी बहाली के लिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, शुरू से लड़ रहे हैं। कम से कम 5-6 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई को कम अब मुकाम तक पहुंचाने के लिए अब हम लोग एड़ी चोटी लगा दिए हैं। झारखंड मजदूर यूनियन इनके साथ है, पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा भी साथ है। सारे दल से हम आग्रह करेंगे कि इन दलित कर्मचारी पुत्र लोगों के लिए आप लोगों को इनकी लड़ाई को साथ देना चाहिए। यही लड़ाई को हम लोग लेके जा रहे हैं रांची, मोराबादी, जो राजभवन, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर हम लोग जाएंगे बॉम्बे, जाएंगे रतन टाटा साहब के पास में। 1 सप्ताह के हम लोग आज समय दे रहे हैं। अगर हम लोग के साथ में वार्ता नहीं होगा, समय नहीं देंगे एमडी साहब, तो हम लोग 3 मार्च के लिए जो रतन टाटा साहब आ रहे हैं, तो फिर हम लोग भी कोई आंदोलन का कार्यक्रम बनाएंगे, और इसकी सारी जिम्मेवारी फिर टाटा कंपनी की होगी। रांची के राज्यपाल आवास घेरने की बात करें, कब घेरने की बात नहीं, कब जा रहे हैं? सांकेतिक माने हम अपना दुख जनाएंगे राजभवन में, हमारी बात को देश और राज्य में हम लोग पहुंचाएंगे। कब जा रहे हैं? देखिए, इसका डेट हम लोग निर्धारित, अभी हम लोग आज आपके माध्यम से इसकी सूचना फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3 मार्च तक अगर 1 सप्ताह के अंदर अभी आज से अगर हम लोगों को नहीं बुलाता है टाटा स्टील दलित कर्मचारी पुत्र के जो भी हमारे लीडर हैं चैतन बाबू। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।